सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड गाइस, ये वाला जो गेम प्ले ना, इसमें भाई तुम्हारे भाई ने मतलब 27 किल तो करे ही हैं। और भाई इसमें जो बंदों को पेला है ना, मतलब थर्ड पार्टी कर करके पेला, और भाई M249 चलाइए, बहुत मजा आने वाला है इस वाले गेम प्ले में। देखो, सबसे पहले तो सेवरनी आए हैं और अपन को गन ढूंढना पड़ेगा, और गन के नाम पे उजी मिली है और एक मिल जाती है शॉर्ट गन, तो मैं सीधा जो है इन बंदों पे रश कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन चाचों को पकड़ लेता हूँ, इनकी पेटी बना देता हूँ। इतने में इसके बंदे जो है बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और भाई रश कर देते हैं। और अगर आप तो ध्यान दो तो यहाँ पे मेरी यूजी में बची है 11 MO, ठीक है, और इसका लास्ट बंदा बचा जो कि मेरे ऊपर रश कर रहा है। और अच्छा हुआ भाई इसके पास शॉर्ट गन थी, और 11 MO में मर गया ये बंदा। 11 MO, 10 MO मर गया शायद, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अभी और भी बंदे हैं रोड के उस पार, तो चलते हैं उस बंदों को पहलने। तो भाई यहाँ पे मैं अच्छे बच्चों की तरह जो है रोड पार कर रहा था, इतने में ये चाचा फायरिंग करने लगते हैं, और इनसे तो मरता नहीं हूँ लेकिन इसका टीममेट जो है रश कर देता है। और भाई क्या सोच रहे थे, मतलब इतना भी नूब नहीं है बे हम, मतलब क्या सोच रहे थे तुम। तो इसीलिए मैं इसकी पेटी बना देता हूँ, क्योंकि जो बंदे भाई एकदम आके मतलब रश करेंगे ना, एकदम चोड़ में आके रश करेंगे भाई, उनकी मैं पेटी बनाता हूँ, क्योंकि उनमें जो है ज़्यादा जोश रहता है, ठीक है। और इसका जो एक बंदा बचता है, इसकी पेटी बनाता हूँ। इसका एक बंदा जो अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो फायर दे रहा था, वो बंदा भाई गायब हो जाता है। पूरा सेवरनी छान मारता हूँ लेकिन वो बंदा नहीं मिलता है। इतना कैंपर बंदा था ना, इतना कैंपर मैंने आज तक भाई गोल्ड वाले बंदों को भी नहीं देखा, जितना बंदे ये कैंप करते, क्राउन वाले बंदे कैंप करते हैं, ठीक है। अब मैं सारे बंदों की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बंदे हैं जो कि भाई एस जाने के लिए ऐसा कैंप करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं छोड़ के अब यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार गेम प्ले जो है बर्बाद हो जाए, पता नहीं कहीं कैंप करके बैठ गया, तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। सो गाइस, सेवरनी से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ रोजोक में, और यहाँ पे अभी एक स्क्वाड ने दूसरी स्क्वाड को डेड किया है, ठीक है। तो अपन चलते हैं बीच में थर्ड पार्टी करने, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था थर्ड पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। मतलब भाई देखो, एक बंदे को देख के कैसे एकदम कुत्तों की जैसे आई है बंदे, मतलब मार ही देंगे। और इनका एक लास्ट बंदा बचा है जो कि भाई ये वाले कमरे के ऊपर है, ऊपर नहीं है, मतलब टीपीपी ले रहा है। और इनका लास्ट बंदा भाई पता नहीं कहाँ ही होता है, तो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, साउंड भी आ रहा है उसका अभी, जो कि दरवाजे के पीछे टीपीपी ले रहा है। मतलब चाचा क्या सोच रहे थे, बैरल थी तो मार दोगे है ना, बैरल रहेगी तो तुम मार दोगे, भाई ऐसा नहीं होता, गलत टीपीपी ले रहे थे तुम। और पहले तो वहाँ पे एकदम वो जिगल बिगल नहीं करना था, वहाँ पे जंप एंड शूट करना था, ठीक है। तो इनको मारने के बाद चलते हैं अभी दूसरे लोंडो की तलाश में, क्योंकि अपन को किल चाहिए, आपको पता ही होगा। किल के लिए मैं अपने टीममेट को भी मार देता हूँ, तो ये तो एनिमी है। तो यहाँ से अपन रोजोक से 20 लाख की बग्गी लेके अपन आ जाते हैं भाई पोचिंकी में, और पोचिंकी में आने के बाद मुझे भाई एक फ्री किल मिलता है और एक बंदा मिलता है, ठीक है। अब देखो, और अब ये जो बोट है ना, ये एनिमी जो है इस बोट को मारने आ रहा था, लेकिन एनिमी का ये किल था, लेकिन मैंने चुरा लिया, ठीक है। अब एनिमी जो है इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया जो सीधा मुझ पर जो है रश कर देता है बिना देखे दाखे। और ये जो चाचा थे, ये सिर्फ पोचिंकी के लास्ट चाचा बचे थे, बाकी सारे चाचा जो है ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद अपन यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपन को बंदे चाहिए, और आपको पता ही होगा अपना डायलॉग क्या है, अब नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ो, निकलते हैं अब बंदे ढूंढने के लिए। तो गाइस, इसके बाद अब मैं दिखाने वाला हूँ एक भुक्कड़ टीम, बिल्कुल लूट की भुक्कड़ टीम, ठीक है। मानता हूँ भाई आपने एक स्क्वाड जो है डेड करी है, लेकिन ऐसे ओपन में आके कौन लूटता है भाई। देखो, पूरी पूरी की पूरी टीम लूट रही है भाई, भुक्कड़ जैसी, ऑल डेड भाई, ऐसे मत लूटा करो यार। मतलब देखो, जब गोली पड़ने लगी, जब स्मोक करा, और ये चाचा अलग ही लेटे थे, बताओ, रोड पे आके लेट रहे हैं, बताओ।
भाई ऐसे काम नहीं चलेगा सर, क्राउन 2 की लॉबी है ये, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा पता नहीं कितना ही माइनस लगाओ, माइनस नहीं लगेगा, अभी सारे टॉप 10 में पहुंच गए थे लोंडे ये लोग, तो इनको मार देते हैं। और गाइस कभी भी जो है आप लोग की फाइट हो टीममेट से, मतलब किसी से भी एनिमी से फाइट हो ओपन में ड्रॉप वगैरह के पास, तो भाई स्मोक कर लेना ठीक है। और खुद मैंने नहीं किया लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ यार, सीख लो नहीं तो कौन सिखाएगा ये वाली चीज़। तो यहाँ से निकलते हैं अपन एनिमी को मार के, तो भाई यहाँ से मैं जा ही रहा था बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह, और इतने में ही भाई क्या होता है, तुम्हारे भाई पे पूरी की पूरी टीम जो है पीछे पड़ जाती है, मतलब कुत्तों जैसे चढ़ेगी भाई ये टीम। मतलब देखो अब इनको कैसे मारेंगे, एक अकेले बंदे को देख के भाई ऐसा कभी भी कुत्तों जैसा तो मत भागा करो यार मेरी, मतलब फाड़ दी इन लोगों ने, फट गई थी बिल्कुल, एक बात बताऊँ तो सही में फट गई थी, लेकिन अभी देखो इनकी कैसे फाड़ते हैं। मतलब एक अकेले बंदे को देख के तुम ऐसा रस करोगे, मतलब ऑल डेड भाई, इतना टाइम भी नहीं लगा, लेकिन ये लोग जो अपना जोश दिखा रहे थे ना गाड़ी में एक अकेले बंदे को देख के, मतलब क्या ही बीत रही होगी यार इनके ऊपर, जो भी गाड़ी चला के ला रहा होगा और जो पीछे मार रहा होगा, मतलब गाली दे रहे होंगे गाड़ी वाले को, बोल रहे होंगे भाई इससे अच्छा आते ही नहीं यार अपन, इससे अच्छा अपन और कहीं चलते, फिर फालतू में आ गए इस बंदे के पास। खैर छोड़ो ये बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल के लिए लूटते हैं क्योंकि 3 पेटी है यार, मजे में लूटेंगे। और अपने पास वैसे सब कुछ है, 5 का ही एमओ चाहिए और वो भी पूरा पैक हो चुका है। तो अब निकलते हैं बंदों की तलाश में क्योंकि 19 किल हो चुके हैं और कतई जहर गेम प्ले जा रहा है ये वाला। तो भाई उन बंदों को लूटने के बाद मैं जा रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी कुटिया है ना, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मकान बना हुआ है, बहुत सारे घर हैं, तो उधर पे मतलब ड्रॉप आया था इसलिए मैं जा रहा था ठीक है। और इतने में क्या होता है, मुझे फायरिंग की आवाज़ आती है और भाई वहाँ पे 2 टीम लड़ रही थी, और मैंने सोचा चलो पीछे थर्ड पार्टी करेंगे और यहाँ पे तुम्हारे भाई को फिर से 4 या 3 किल मिलने वाले हैं क्योंकि पूरी की पूरी टीम होती है। तो देखो अब इनको कैसे बजाते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं उन टीम के पूरे 3 बंदे नोक कर देता हूँ, और अब यही मेरे पास सही मौका था थर्ड पार्टी करने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी का रश करने के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, वो 3 बंदे वहाँ पे नोक है, तो अब 1v1 की सिचुएशन है। लेकिन वो बंदा क्या होता है भाई, अपने टीममेट को जो है रिवाइव देता है बिल्कुल फटाक से, लेकिन तुम्हारा भाई भी इतना ढीट है, रश कर देगा डायरेक्ट जाके, और भाई बजाते हैं इनको देखो अब। ओल्ड डेड देख रहे हो, ओल्ड डेड कर दिया। तो लाइक कर दो यार ये वाला क्लच अच्छा लगा हो तो, और स्प्रे अच्छा लगा हो तो, और सेंसिटिविटी चाहिए तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, देखते कल डाल देंगे अपन। और वैसे डाली थी लेकिन आप लोगों ने सेंसिटिविटी को देखा नहीं था, ज़्यादा लोगों ने 150 लोगों ने देखा था, तो गरीब की दुआ लगेगी यार, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे ठीक है, अभी बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इनको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो है एक बंदा उनको जो है परेशान कर रहा था, और यहाँ पे एक बंदा नहीं होता, 2 बंदे होते हैं लेकिन मुझे नहीं दिखते, ये दिखते हैं बाद में जब मैं जोन में चला जाता हूँ, जब ये बंदे आते हैं ब्रिज पे जहाँ पे अपने ये बग्गी उठाई थी वहाँ से। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ क्योंकि यार अपने पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जोन भी चालू होने वाला था और अपन को जोन में भी जाना था क्योंकि सामने जो है ब्रिज भी था, तो शायद कैंप ना कर लेते बंदे, इसलिए मैं सीधा जो है वहाँ पे चला जाता हूँ और पेट्रोल पंप पे रुकेंगे जाके, क्योंकि ये बंदे जो है जोन में ज़रूर आएंगे। तो मेरे को और आपको अच्छे से पता होगा कि बंदे जो है जोन में ज़रूर आएंगे, और उस बंदे को मैं काफ़ी ज़्यादा जो है लीड कर देता हूँ।
तो भाई लीड करने के बाद मैं सोचता हूँ जो है उस बंदे पे रश कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक ही बंदा दिखा था, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, वहाँ पे होते हैं दो बंदे, लेकिन एक बंदा अभी भी नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ ही सिर्फ एक ही बंदा दिख रहा था, और एक बंदा कहाँ रहता आप खुद ही देखना। मतलब भाई साहब जब इस बंदे को मैं फिनिश कर रहा था, जब उसका टीममेट नहीं मारता, जब मैं रिलोड करता हूँ जब उसका टीममेट मारता हूँ, और अभी भी मुझे बंदा जो है नहीं दिख रहा था है कहाँ एक्चुअल में। लेकिन भाई जब मैं यहाँ से गाड़ी ले आके मतलब जो गाड़ी है अपनी वो ले जाता हूँ पेट्रोल पंप के पास, जब मुझे वो बंदा दिख जाता है अब सीधा उस पर रश करेंगे। तो अब जो बंदा है वो वहाँ पे मतलब पत्थर है, वहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह रखे हैं, तो उसके जो है पीछे बैठ गया वहाँ पे जाके, ठीक है। और अब यहाँ से बिल्कुल भी मुझे एंगल नहीं मिल रहा था ताकि मैं उसको डैमेज दे दूँ या नॉक मतलब फिनिश कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे यार रश करना पड़ता मजबूरन में, क्योंकि वो ऐसे बंदे साले जो है एस जाने के लिए भाई इतना कैंप करते ना, क्या ही बताऊँ मैं, इतना कैंप कोई नहीं करता भाई एस जाने के लिए, वो भी इतना कैंप क्यों करते हो। मतलब वो बंदा वहाँ से निकला ही नहीं यार, तो इसलिए मुझे रश करना पड़ा। लेकिन वो बंदा जो है मुझे बहुत अच्छा खासा डैमेज दे देता है, क्यों मेरी गलती से दे देता है वो उतना डैमेज, क्योंकि मैं उसके मुंह पे गाड़ी रोकता हूँ। देखो और फाइनली यार इसको भी मार दिया। तो यहाँ पे बचे हैं अब दो बंदे, और जिसमें कि एक बंदा नागिन रहता है, और भाई मुझे खुद पता नहीं चलता यार कि गाड़ी से वो कब मर गया, तो आप लोग खुद ही देखना। उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, उस सीन के लिए यार एक लाइक बनता है, क्योंकि वो जो सीन रहते ना कभी कदाल होते हैं। मतलब मुझे सच्ची बता रहा हूँ भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पे बंदा लेटा है, तो आप खुद ही देखना भाई क्या हुआ। तो भाई जब मैं जस्ट उसके पास में आ गया ना, जब उसका मुंडा दिखा और फिर मैंने कुचल दिया इसको, फिनिश कर देंगे। और इसका एक बंदा को अभी और भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नोक हुआ था तो इस साइड की तरफ जा रहा था, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, वो जो बंदा रहता है भाई वो पेट्रोल पंप की तरफ रहता है और अच्छा खासा फायर भी देता है, लेकिन क्लोज रेंज इतना अच्छा नहीं होने के कारण ये चिकन डिनर मुझे दे देता है। तो अब देखो दे कैसे देता है, मतलब मैं मार देता हूँ ऐसे थोड़ी कोई दे देगा भाई चिकन डिनर। और एक तो गलती इसकी रहती है ये कि भाई ये मुझे जो है पोजीशन रिवील कर देता है फायर देके, नहीं तो मुझे क्या पता था भाई वो पेट्रोल पंप है। लेकिन यही सबसे बड़ी इसकी गलती रहती है गाइस, अगर आप लास्ट बंदे बचे हो तो भाई कभी भी अपनी पोजीशन जो है रिवील मत करना, अगर आपके सामने चार बंदे या दो बंदे या एक भी बंदा हो तो भी अपनी पोजीशन जो है रिवील मत करना। तो आई होप गाइस आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद है, इस वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम से फॉलो करने वाला लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेके आ थैंक्स फॉर वॉचिंग।